एसपी हम जौनपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर नौपड़वा में मौजूद है। यहाँ पर कल अखिलेश यादव की जनसभा होने वाली है, तो मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिएगा, हेलीपैड की तैयारी चल रही है और यहीं पर कल अखिलेश यादव का आगमन होगा। इसी हेलीपैड पर अखिलेश यादव का जो हेलीकॉप्टर उतरेगा। बताया जा रहा है कि बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। और मैं कहना चाहूँगा, पंडाल भी दिखा दीजिए, इतना बड़ा पंडाल बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या व्यवस्था रहने वाली है। और पूर्वांचल की जो राजनीति बोली जाती है, जौनपुर बहुत ट्रेंडिंग में रहा है और जौनपुर में ही अखिलेश यादव की धुआंधार एंट्री होने वाली है। कल तैयारियां चल रही हैं, तमाम बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी सर, ये बताइएगा कि कल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कैसा माहौल रहने वाला है इस जगह का, नौपड़वा का? माहौल का मतलब, माहौल तो शानदार बन चुका है। चुनाव है, चुनाव में आम आवाम तैयार है समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को जिताने के लिए, तो माहौल बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हेलीपैड तो कंप्लीट होने वाला है, ये बताइएगा कि जैसे ये पंडाल जो बना है, कितने लोगों की इसमें क्षमता है आने की? इसमें कम से कम करीब करीब 1-1.5 लाख लोग जो है यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। 2 लाख, मतलब कल लाखों की संख्या में लोग आ रहेंगे यहाँ। यहाँ करीब करीब 1.5-2 लाख व्यक्ति जो है यहाँ पहुँच जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, इतनी बड़ी तैयारी और इस रैली से पूरे पूर्वांचल की बात की जाए या जौनपुर की बात की जाए, एक समीकरण कैसा रहेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा? समीकरण अच्छा रहेगा। जो प्रश्न आप कर रहे हैं, इसके शानदार प्रदर्शन होगा, शानदार कैंडिडेट के पक्ष में लोग, आम जनमानस तैयार है और बहुत अच्छी वोटिंग लोग करेंगे। यहाँ तक कि जाति धर्म और मजहब दल पार्टी का सारा समीकरण टूट चुका है। यहाँ सारे लोग एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, उनको मतदान कर रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थन में अखिलेश यादव जी की रैली होने वाली है। आपका क्या नाम है? आरिफ हबीब। अच्छा, कैसा माहौल रहेगा कल का? माहौल एकदम बिल्कुल पूरे देश में बना हुआ है, उसी तरह से पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है, जौनपुर जौनपुर में भी बना हुआ है। तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं, ये बात कर रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? देवेश मौर्य नाम है। कैसा समीकरण यहाँ देखने को लग रहा है, तैयारियाँ जोरों से चल रही हैं? आप देखिएगा, कल 4-3 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को, अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जी को भारी मतों से यहां से जीतने का पूरा समीकरण बन चुका। आप देखिएगा जनाधार क्या है कल। आपका क्या नाम? शिव मौर्य। आपको क्या लग रहा है? लग रहा माहौल रहेगा, बस बाबू सिंह कुशवाहा यहां से 2-2.5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। कल की रैली के बारे में? कल की रैली तो अब बहुत बढ़िया माहौल बन गया है। बढ़िया माहौल। आपका क्या नाम भैया? भानु प्रताप मौर्य। आपको यहाँ का क्या लग रहा है समीकरण? कल की स्थिति देखकर जो है विरोधियों के पसीने छूट जाएंगे। और यही नहीं, जौनपुर की धरती संदेश देगी पूर्वांचल के आसपास के सभी जिलों में, और ये बताएगी कि जो है आज के समय में जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की लहर नहीं तूफान चल रहा है, और उसके सारे लोग जो है उसमें डूब जाएंगे और उड़ जाएंगे। जी नमस्ते सर। बताएं, कल का जो प्रोग्राम चल रहा है, वो तैयारियाँ हो रही हैं, क्या माहौल रहेगा जौनपुर का? कल राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है जौनपुर की राजनीति में। कल जौनपुर के इतिहास में सबसे बड़ी यहाँ रैली होने जा रही है, और यहाँ की जनता जिस बात से उत्साहित है, केवल नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे जनपद की जनता अगड़ाई ले ली है और यह चुनाव जनता लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए तैयार है। एनडीए को इंडिया हराने जा रहा है, सभी इंडिया के साथी और इंडिया की सरकार बनना तय है, और आगामी 25 तारीख को इतनी साइकिल पे बटन दबेगी जौनपुर में कि एक इतिहास बनेगा। और कल की जहां तक यहां पब्लिक आने जनसभा का है, अब वो संख्या नहीं बता सकते, आप लाखों लाख लोग कल इस रैली में माननीय राष्ट्रीय, क्या क्या ऐलान हो सकता है अखिलेश यादव जी के द्वारा? जौनपुर भी आपको पता है हॉट सीट है। जी जी, हमारे नेता ने अपने अधिकार पत्र में सारी बातें कह दिया है, आप अधिकार पत्र पढ़ लीजिए। उन हमारी पार्टी का जो अधिकार पत्र पढ़ा है, हाँ पढ़ा है ना, तो वो पढ़ लीजिए, सब ऐलान होगा, वही सब ऐलान होंगे।
और बाकी जो जनपद की समस्याएं हैं, जो हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज रो रहा है, अन्य हमारी सरकार बनने पे मेडिकल से लेके स्वास्थ्य ले से शिक्षा से लेके सारी जो चीज़ अधूरी है उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी आने वाली। तो आप लोगों से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक भैया और इनसे बात की, क्या नाम है आपका? मैं जगदीश प्रसाद मौर्य। क्या लग रहा है कल यहाँ पर क्या होने वाला है? भीड़ आपको पता है पूर्वांचल में तमाम ऐसी ऐसी भीड़ हो रही हैं, रैलियाँ ऐसी हो रही हैं कि अभी तो प्रयागराज में संबोधन ही नहीं कर पाए अखिलेश यादव जी। कल सारे रीत रिवाज तोड़ करके लोग, सारे धर्म और सारी जातियों के लोग कल इकट्ठा होंगे। इससे एक अनुभव आपको मिल जाएगा, इससे पता भी चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी पूरे पूर्वांचल में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है। इससे कल आपको आंकड़ा मिल जाएगा कि सारे धर्म और सारी जातियों को सारे सब कुछ तोड़ करके सारे लोग कल इकट्ठा रहेंगे यहाँ पर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सम्राट। क्या लग रहा है कल यहाँ पर रैली होने जा रही है? रैली होने जा रही है तो हमको लग रहा है आज जौनपुर का इतिहास बदल जाएगा। इतिहास बदल जाएगा जी। आपका क्या नाम? हमारा नाम देवेश है। क्या लग रहा है यहाँ का जौनपुर में अभी कल रैली? तरफा है, एक तरफा। हाँ, यहाँ कोई लाइफ फाइट में नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा सब पे भारी, सब पे भारी, सब पे भारी। बाकी सब सोहा, बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब सोहा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का, आप लोग यहीं कल अखिलेश यादव का आगमन होगा और भीड़ वगैरह बहुत तमाम होगी। काम चल रहा है, हेलीपैड बन रहा है, और एक बार और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यहीं अखिलेश यादव आएंगे। हो सकता है राहुल गांधी भी आए, या प्रियंका गांधी आए, संजय सिंह या केजरीवाल आ सकते हैं। और इतनी भीड़ आप लोग देख रहे हैं, सॉरी, इतनी भीड़ होगी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो पंडाल है, बहुत बीच में पंडाल बना हुआ है। थोड़ा बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर हो सकती है। इतना बड़ा मंच लगा, इतना बड़ा पंडाल लगा है, तो भीड़ तो होना लाजमी। और यहाँ के कार्यकर्ता लोग लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। कमेंट करके आपको बताना आपको क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल, यहाँ पर जौनपुर में कल नौपड़वा में अखिलेश यादव की जनसभा होने वाली है। धन्यवाद।